الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد من انتهي يا اور محترم بزرگو دوستو بهيو. بھائیو قابل احترام خواتين اسلام आज हमारा दरस क़ुरान करीम की सुर अजारियात की एक आयत का है बड़ी जाम आयत है अल्लाह ने फरमाया व मा खल जिन नवलिनबून मैंने नहीं पैदा किया इंसानों और जन्ात को मगर सिर्फ़ इस मकसद के लिए कि मेरी बंदगी करे अब देखिए दुनिया में अगर हम देखते हैं तो इंसानों के साथ भी दो चीज़ें लगी हुई है और ये तकरीबन तमाम मखलूक़ के साथ हर चीज़ जो दुनिया के अंदर है दो चीज़ ये है कि एक उसकी ज़रूरत है और एक उसका असल मकसद है कोई भी चीज़ आप देख लें एक उसकी ज़रूरत होती है जिसके बगैर वो चीज़ कायम नहीं रह सकती और दूसरा उसका असल मकसद होता है जिस मकसद के लिए उसको पैदा किया गया जिस मकसद के लिए उसको ख़रीदा गया जिस मकसद के लिए उसको तैयार किया गया आप गाड़ी को देखते हैं तो गाड़ी की ज़रूरत है वो ये कि आप उसमें पेट्रोल डालेंगे उसके बगैर ये चल नहीं सकती उसके टायरों में हवा होगी उसके बगैर ये गाड़ी चल नहीं सकती उसको जितने भी लुब्रिकेट डालना पड़ता है जितने भी आयल डालने पड़ते हैं ये सब कुछ उसकी सफाई सुथराई उसका सर्विस उसके आयल की तब्दीली वग़ैरह ये सारा कुछ ये उसकी ज़रूरतें हैं गाड़ी को इसलिए नहीं खरीदता कि आ, वो उसमें पेट्रोल डाले और उसके टायरों में हवा डाले और उसको साफ़ सुथरा रखे और उसमें आयल तब्दील करे इसलिए कोई गाड़ी नहीं ख़रीदता बल्कि गाड़ी एक और मकसद के लिए ख़रीदी जाती है ये उसकी ज़रूरत है कि इसके बगैर वो गाड़ी चल नहीं सकती इसी तरह आप जितनी भी चीज़ें देख लें तो उसकी ज़रूरतें अपनी जगह पर होती है और उसका मकसद मालूम होता है कि उसका मकसद ये है अब कोई भी मशीन उठाकर देख ले कि उसकी ज़रूरतें और उसका असल मकसद जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं तो उसको कायम रखने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो उसकी ज़रूरतें हैं आप कोई जानवर ख़रीदते हैं कोई बैल आप ख़रीदते हैं तो बेल लोग इसलिए ख़रीदते हैं कि उससे काम ले लें उससे अपना उससे जो हल चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ज़मींदारी के लिए इस्तेमाल करते हैं या दूसरे जितने भी मकासद होते हैं आप गाय ख़रीदते हैं तो उसके लिए ज़ाहिर बात है एक उसकी ज़रूरत है कि उसको आप चारा खिलाएँगे उसके बगैर वो ज़िंदा नहीं रह सकती वो गाय इसी तरह आप उसको पानी पिलाएंगे आप उसको सर्दी गर्मी से बचाएंगे लेकिन उसका मकसद ये नहीं है मकसद गाय का ये है कि ये हमें दूध दे दे अगर कोई गाय दूध नहीं दे सकती तो जाहिर बात है उसकी ज़रूरतें पूरी करना फिर लोगों पर बड़ा शाख गुज़रता है और बड़ा मुश्किल गुज़रता है कि ये इसका मकसद हासिल नहीं होता तो ज़रूरतें क्यों पूरी कर दी जाए ये वो बुनियादी बात है जो समझने के बाद इंसान अपनी ज़िंदगी की तरफ अगर तोजो करे और देखे तो एक इस इंसान की ज़रूरतें हैं और दूसरा इसकी ज़िंदगी का असल मकसद है ज़रूरत क्या है ये खाना खाएगा ये पानी पिएगा ये सोएगा आराम करेगा इसको अपने ज़िंदगी के लिए छत चाहिए जिसकी नीचे ये रह सके इसको बीवी चाहिए इसको बच्चे चाहिए इसको पैसे चाहिए इसको कपड़े चाहिए इसको खाना पीना चाहिए अब ज़ाहिर बात है जब ये सारी चीज़ें इसकी ज़रूरतें है तो ये कमाना और ये हासिल करना भी ज़रूरी हुआ यानी खाने के लिए तगो करना मेहनत करना मशक्क़्क़्क़्क़त करना और इसको कमाना ये इसके लिए जायज़ है बल जायज़ नहीं, बल्कि वाजिब है और ज़रूरी है कि ये ज़रूरत पूरी हो और इंसान ज़िंदा रह सके लेकिन ये इस इंसान की ज़िंदगी का मकसद नहीं है ये ज़रूरत है अब जो शख्स इसको जानेगा कि ये ज़रूरत है और ये मकसद है तो ज़रूरत को ज़रूरत की जगह पर रखे और मकसद को मकसद की जगह पर रखे तो जो ज़रूरत की जगह पर रखेगा ज़रूरत को और मकसद की जगह पर रखेगा मकसद को तो वो कामयाब हो जाएगा तो यहाँ अगर हम देखें इंसान की ज़रूरतें खाना पानी घर जो साया अपने लिए वो करता है और दूसरी जितनी भी इंसानी ज़िंदगी की ज़रूरत के लिए चीज़ें वो ज़रूरतें हैं ये मकसद नहीं इसके लिए पैदा नहीं किया गया ये मकसद के हसूल के, के लिए जराए हैं मकसद ये नहीं है मकसद क्या है मकसद कुरानी करीब यह बयान किया गया है वह नवल मैंने इंसानों को और जिन्ना को नहीं पैदा किया मगर सिर्फ इस मकसद के लिए कि ये मेरी बंदगी करे अब बंदगी की तरफ आप आ जाइए कि मकसद हमारा बंदगी करना है और ये पूछना खुद इंसान के अकल का तकाजा है इंसान अपने आप को अगर गैर जिम्मेदार न समझे और थोड़ा सा गौर करे तो बंदगी बहुत जल्दी समझ आ जाती है कि हम बंदे हैं और हमने बंदगी करनी है और अपने हमारी ड्यूटी हमें मालूम होनी चाहिए कोई भी शख्स किसी इदारे में किसी महकमे में किसी ऑफिसर को कोई महकमा लाए उस ऑफिसर के लिए उस महकमे में उसको भर्ती करे भर्ती करते वक्त उसको बाकायदा एक पूरा पूरी लिस्ट दे देते हैं ये आपकी तनख्वाह होगी ये आपके लिए घर होगा ये आपका गर, आपकी गाड़ी है ये आपका ड्राइवर है ये आपका कोक है ये आपका गार्ड है ये फलान ये फलान ये सब कुछ आपको मयसर है वो जितनी सहूलतें होती है वो सहूलतें वो दे देते हैं लेकिन अब ये जो दूसरा सवाल है ये तो नौकर ने खुद करना है कि मेरी मेरे, मेरे लिए जो इतनी सहूलतें आप दे रहे हैं जाहिर बता ये सहूलतें जो आप मुझे दे रहे हैं इसके बदले मेरा काम क्या होगा मेरी ड्यूटी क्या होगी नहीं बिल्कुल ये सवाल बल्कि किसी ऐसी जगह पर जहाँ से बहुत बड़ी ऑफर आ जाती है बड़ी तनख्वाह आ जाती है उस पर गौर करने से पहले सबसे पहले वो हर शख्स ये देखता है कि इसके लिए वो जो नौकरी करनी है वो ड्यूटी क्या है क्या वो ड्यूटी मैं कर सकता हूँ वो अगर डॉक्टर की ड्यूटी है तो डॉक्टर की ड्यूटी के लिए कोई इंजीनियर दरख्वास्त नहीं देगा कोई इंजीनियर की ड्यूटी है तो उसके लिए डॉक्टर और कोई और शख्स दरखास्त नहीं देगा बल्कि दरखास्त वो शख्स देगा जो ये समझता हो कि मैं एलिजिबल हूँ, मैं इसका अल हूँ और मैं ये काम कर सकता हूँ। अब अल्लाह की तरफ से जो सहूलतें हमें दी गई रिजक का बंदोबस्त हुआ पानी का बंदोबस्त हुआ लिबास का बंदोबस्त हुआ ये सारी चीज़ें जो अल्लाह ने हमें दी है हवा पानी ये ऑक्सीजन वगैरह जितने भी इंसान की जरूरत है वह सारी चीज़ें अल्लाह ने फ्राहम कर दी काले का बंदोबस्त किया ये जितनी चीज़ें इंसान इस्तेमाल करता है ये सब इंसान के लिए तबे कर दी मुशर कर दी हवा के परिंदों को मुशर कर दिया जि जितने भी जानवर है बड़े बड़े जानवरों को मुशर कर दिया ये सब कुछ उसने किया है ये तुम्हारे लिए तुम्हारे का इंतज़ाम तुम्हारे लिए पल पैदा किए तुम्हारे लिए फसलें उगाई तुम्हारे लिए बागात उगाई ये सब कुछ किया अब ज़ाहिर बात ये पूछना ज़रूरी है ना कि अब मेरी ड्यूटी क्या है मेरी ड्यूटी क्या है तो हमारी जो ड्यूटी है वो बंदगी है हमने बंदगी करनी है अब बंदगी किसी कहते हैं ये वो बुनियादी सवाल है कि आज बंदगी क्या है और हमारी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है तो असल मकसद बंदगी करना है अब बंदगी क्या चीज़ है तो बंदगी ये चीज़ है कि हमारी वो सारी बातें और सारे काम दो काम दो चीज़ें होती है ना या हम जबान से बातें करते हैं या हम काम करते हैं जो इंसानी जिसम के मुख्तलिफ़ अज़ा से पाँव से हाथ से आँखों से जबान से यानी कानों से दिमाग से दिल से इस जितने भी काम हमारे होते हैं दिल के काम है दिमाग के काम है हाथों के काम है पाँव के काम है इंसानी शर्मगा के काम है तो सारी बातें और सारे काम जो हम करते हैं वो अल्लाह की मर्ज़ी के ताबे बन जाए कोई बात जबान से ऐसी निकले जो अल्लाह की मर्ज़ी के खिलाफ हो कोई अमल ऐसा ना हो जो अल्लाह की मर्ज़ी के खिलाफ हो अब देखिए अब हम फिर तमाम कामों में कैसे करेंगे तो ये इस तरह करेंगे जैसे अल्लाह तबारक तआला ने अपने रसूल के ज़रिए से हमें ये सब कुछ बता दिया है पूरी ज़िंदगी के लिए रहनुमाई कुरान सुन्नत में मौजूद है पूरी ज़िंदगी के लिए रहनुमाई मौजूद है वो रहनुमाई किस तरह है हमारी छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े से बड़े काम तक अल्लाह तबारक तौर ने हमें तरीके बताए हैं अब देखिए हमें खाने का तरीका बताया है तो खाने के लिए जब हम बैठते हैं तो हम अपने खाने को इबादत बना सकते हैं हमारा खाना इबादत है हमारा पीना इबादत है हमारा सोना इबादत है बातें करना मेहमानों के साथ बातें करना किसी को देना किसी से कुछ लेना मेहमानों के मेहमान नवाजी करना घर वालों के साथ मिल बैठना हती कि घर वालों से मिल अपनी बीवी से मिलना और अपनी ख्वाहिश पूरी करना ये भी इबादत बन जाता है ये ये काम जो मुबाशरत का काम है अपनी बीवी के साथ ये भी इबादत बन जाता है ये किस 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 तरह इबादत बन जाता है ये अल्लाह के रसूल सल्ला वसम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक हो नबी करीब सल्ला वम ने जब ये बात फरमाई कि जो शख्स अपने बीवी से अपनी ख्वाहिश पूरी करता है तो उसे भी अजर मिलेगा एक सहावी बेटे हुए थे उसने देखा यार रसुल्ला इस पर भी अजर मिलेगा ये जाहिर बात है ये काम तो कुछ अजीब सा लगता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए और उस उस शख्स को समझाया हमें भी समझाया फरमाने लगे ये काम अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो क्या कोई गुनाह होगा या नहीं होगा आप फरमाए हाँ गलत तरीके से करेंगे तो गुनाह तो होगा फरमाएँ यही बात है कि जिसको ठीक तरीके से करोगे बताए हुए तरीक़े के साथ करोगे उन तमाम चीज़ों से बचना उन अमाल से जिनको अल्लाह तबारक तआला ने नाजायज़ करार दिया है तो आपका ये अमल भी इबादत बन जाएगा ये इबादत बन जाती है इसी तरह हम कारोबार को इबादत बना सकते हैं हम दुकानदारी को इबादत बना सकते हैं हम दिन भर काम कर रहे हैं मेहनत करते हैं कारखाने चलाते हैं दुकान चलाते हैं फैक्ट्री चलाते हैं इसी तरह ज़मींदारी करते हैं खेती बाड़ी करते हैं कोई भी काम जो हमारा हो वो काम हम करें और साथ उसको इबादत भी बनाए वो इसलिए कि मसलन पूरी दुकानदारी है दुकानदारी में हम झूठ नहीं बोलते धोखा नहीं देते किसी को दूसरे किसी का माल नाजायज तरीके से हड़प नहीं करते कब्जा नहीं करते ये क्यों इसलिए ये करते हैं कि अल्लाह इससे नाराज होता है अल्लाह झूठ को नापसंद करता है तो मैं झूठ नहीं बोलता ये सारी चीज़ें जब हम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी दुकान में देखें अल्लाह की नाफरमानी कभी कहीं कहीं भी ना हो झूठ ना बोला जाए धोखा ना दिया जाए मिलावट ना की जाए खयानत ना की जाए ये सारे गारी गलोच से बचा जाए जबान को बचाया जाए आँखों को बचाए अकानों को बचाए दिल को बचाए दिमाग को बचाए हाथ पाँव को बचाए इस तरह के मुसलसल तजकिए का अमल जैसे कल के दरस में गुजरा है वो जारी रहे तो ये पूरी ज़िंदगी इबादत बन गई ऐसे शख्स के जब वो पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इतात करता है उसकी उसका सोना भी उसका खाना भी उसका पीना भी सब कुछ इबादत बन जाता है किस तरह इबादत बन जाता है ये, ये सोता है तो सोने से पहले ये सोने की दुआ पढ़ लेता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तरीक़ा बताया है फिर उसी तरीके पर सोना है कि जैसी तरीक़ा बताया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अपना दाया हाथ अपने दाए रुखसार के नीचे रखो और इसी के ऊपर सो जाओ फिर रात को जैसी तब्दीली होती है सोने में तो वो होते रहे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और दुआ पढ़ ली और सुबह उठा तो फिर इसने दुआ पढ़ ली तो पता चला कि ये अल्लाह का ताबे बंदा है ये अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहता है इसकी पूरी रात ये जो सोया था तो ये सोना इबादत बन गया ये सोना इसके लिए इसका इसकी इबादत बन जाती है तो ये इबादत पूरी ज़िंदगी इबादत बन जाती है अगर हम पूरी ज़िंदगी में अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अपने सारे काम करें अब देखिए हमें अल्लाह तबारक तारा ने बाथरूम में जाने का तरीका बताया हमें बाथरूम से निकलने का तरीका बताया हमें बैठ कर अपने जिसम की सफाई का तरीका बताया ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु सल्हु वसम ने ये सब कुछ बताया है तो जाहिर बात है ये सारी चीज़ें जब इस्लाम ने तरीक़ा बताया तो बाजार में कारोबार करने का तरीक़ा भी बताया फिर हमें अदालत में फैसले करने का तरीक़ा भी बताया हुकूमत करने का तरीक़ा भी बताया हुकूती सारे काम करने के तरीके बताए अलगरज यानी जिस जिस चीज़ के साथ हमारा ताल्लुक आता है उसके साथ इस्लाम का भी ताल्लुक़ है और इस्लाम ने पूरे का पूरा हल बताया है और फिर इसी वजह से इस्लाम ने हमें बताया क़ुरान ने ही बताया या अय्यूहल्लदीन अमनुदलूफल में काफ़ा मोमिनो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ ऐसा ना हो कि इस कहीं एक शोबा ज़िंदगी के इस्लाम के अंदर है तो दूसरा इस्लाम से बाहर है अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम के सांचे में डाल दो تب پھر ہم بندے ہوں گے اور پھر ہماری بندگی مکمل ہوگی یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين